वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मैं हूं दुर्गेश मेहता, आपके साथ फिर से एक बार सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। अब तक हम लोग भारत में जो अन्य महत्वपूर्ण स्थल थे उन्हें देख चुका है, अब हम आगे देखते हैं पाकिस्तान में जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थल है उन्हें हम देखते हैं। तो पाकिस्तान के तीन प्रांत में स्थल पाए गए हैं, एक है पंजाब प्रांत, दूसरा है सिंध प्रांत और तीसरा है बलूचिस्तान प्रांत। तो हम पंजाब प्रांत में देखते हैं तो मात्र एक स्थल जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है वो है गनेरी बाला, जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। गनेरी बाला सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का, पूरे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल गनेरी बाला कहां पड़ता है? तो पंजाब के पंजाब प्रांत में। कहां? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। और दूसरा सबसे बड़ा स्थल तो मोहनजोदड़ो, दूसरा सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। और इसके बाद अगर पूछ दिया जाए भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। आगे हम देखते हैं सिंध प्रांत में। तो सिंध प्रांत में एक स्थल है कोट दीजी। यहां से हमें क्या मिले हैं, मैं इसे मिटा रहा हूं, आगे हम देखेंगे। यहां से हमें मिले हैं अलंकृत अलंकृत खंभा के साथ। अलंकृत खंभा के साच कहां से मिले हैं? तो कोट दीजी से। और यहीं पे एक स्थल है अली मुराद, अली मुराद। अगर पूछ दिया जाए सिंधु घाटी सभ्यता का ग्रामीण स्थल कौन था तो अली मुराद, एकमात्र ग्रामीण स्थल, एकमात्र ग्रामीण स्थल क्या है? अली मुराद। और क्या है? और एक स्थल है सिंध प्रांत में ही जुदीर दड़ो, दड़ो। यहां से क्या मिले हमें? यहां से भी हमें स्टेडियम सिक्के साक्ष्य मिले हैं, यहां से भी हमें स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। अगर भारत में स्टेडियम के साक्ष्य कहां से मिले हैं तो धौलावीरा से। यानी कि दो ऐसे स्थल है जहां से हमें स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, एक है भारत में, एक पाकिस्तान में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जुदीर दड़ो से हमें स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं और भारत में धौलावीरा से भी हमें स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। आगे हम देखते हैं बलूचिस्तान प्रांत में, ये रहे महत्वपूर्ण स्थल। आगे हम देखते हैं, बच गया, हमने देखा पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत, आगे हम देख रहे हैं बलूचिस्तान प्रांत में। वैसे मैंने बताया है कि बहुत सारे स्थल हैं, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने हैं उतने ही हम पढ़ रहे हैं। तो बलूचिस्तान प्रांत में, तो आइए देखते हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक स्थल है नौसारो, नौसारो। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं, सिंदूर के साक्ष्य हमें मिले हैं। तो सिंदूर के साक्ष्य कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है कि सिंदूर के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से मिले हैं, तो नौसारो से। कहां पड़ता है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। एक और स्थल है जिसका जिक्र हम कई बार कर चुके हैं आपके आपके वीडियो में, वो है सूतका गेंडोर। यह कैसा स्थल है? तो यह आपको याद होगा, यह सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिम, पश्चिमोत्तर यानी कि सॉरी पश्चिम का स्थल है। जैसे मैंने, देखिए मैंने कई बार जिक्र किया है, ऊपर में मांडा, यहां आलमगीरपुर, इधर मांडा आलमगीरपुर और यह हो गया दैमाबाद और इधर सूतका गेंडोर। तो ये वाला सूतका गेंडोर बलूचिस्तान प्रांत में है। कौन सा है? सिंधु घाटी के सभ्य का सबसे पश्चिम वाला स्थल। तो ये थे हमारे
पाकिस्तान के अन्य महत्वपूर्ण स्थल। और आगे हम देखते हैं कौन सा स्थल कौन से नदी पे है, जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम से कई बार यहां से क्वेश्चन आ चुका। तो आइए देखते हैं कौन से स्थल कौन सी नदी पे है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए, हम लिखे सिंधु नदी पे। सिंधु नदी पे आपको मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी। चन्हुदड़ो किस नदी के, सिंधु नदी। आमरी, अली मुराद, अलादीनो, ये सारे स्थल किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। तो आपके एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चन आया है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे। आगे मांडा, जिसका जिक्र हम कई बार किए हैं कि मांडा कौन से नदी के किनारे है, तो चिनाब नदी के किनारे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। रोपण किस नदी के किनारे है, तो सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा, ये तो बहुत ही बार आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में हजारों बार आए हैं। ये हड़प्पा किस नदी के किनारे, तो राबी की नदी के किनारे। बनावली, राखी गढ़ी, कुनाल और कालीबग्गा, ये सारे घग्घर नदी के किनारे। और लोथल कौन से नदी के किनारे, तो भोगवा नदी के किनारे। उसी तरह से आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। तो ये थे हमारे कुछ स्थल और उनके किनारे बसे स्थल। आइए थोड़ा सा, ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम जैसा कि हमारे आप लोगों ने कमेंट किया है कि इसका MCQ, मैं इसके बाद आपका आप लोगों को इसका महत्वपूर्ण जो जो आपके एग्जाम में आज तक आ चुके हैं वो सारे MCQ को मैं करवाऊंगा। तो एक बार आप उन सारे वीडियो को देख लीजिए, ताकि आप उसको अच्छे से हल कर पाएं। और अपने कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपने कितना सही बनाया। तो इसमें देखिए थोड़ी सी बातें और मैं बताना चाहूँगा, ये लास्ट वीडियो है इसलिए थोड़ी सी बातें और हम करते हैं। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता था, इसका नगर कैसा था, समाज कैसा था, थोड़ी सी बातें नगर और समाज के। नगर नियोजन, तो नगर नियोजन की बात करते हैं, तो ये जो नगर था, जैसा कि मैंने बताया कि सात ऐसे नगर थे जिसको सात ऐसे स्थल थे जिसको नगर की संज्ञा दी गई है। यहां देखिए, हर एक ये जो मान लिया जाए ये नगर है, ये जो नगर है ना, ये एक ग्रीड या सेक्टर में बटा हुआ था। बड़े बड़े शहरों में हम लोग देखा करते थे सेक्टर ए सेक्टर बी में बटा हुआ, तो इसी तरह से ये भी नगर जो था, यहां भी सेक्टर एक बड़े बड़े ग्रीड और जाल के नुमा विभक्त था। एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को एक मोटी दीवार से अलग करता था, और दूसरे सेक्टर में जाने के लिए एक गली वगैरह का इस्तेमाल होता था। तो इस तरह से यह नगर क्या था, बना बटा हुआ था। अगर हम घरों की बात करते हैं यहां, तो यहां जो घर थे, मान लिया जाए घरों के दरवाजे गलियों में खुलते थे, रोड पर ना, मतलब सड़कों पर ना, बल्कि गलियों में खुलते थे। और की देखिए ये जो घर का दरवाजा है, अगर इस दरवाजा में हम लोग आज किसी के अपने घर के दरवाजे के में क्या लगाते हैं, पर्दा। क्यों लगाते हैं, क्योंकि बाहर के लोग हमारे घरों में झांके नहीं, झांकना नहीं है, मतलब देखे नहीं। उसी तरह से वहां उस समय पर्दे का ना, बल्कि अगर हम इस दरवाजे से इन कर रहे हैं, तो सामने एक लंबा सा दीवार बना हुआ होता था, जिसके जो जिससे हम घर में ताका झांकी ना कर सके। और उस दीवार के सहारे अंदर में अंदर जाने का रास्ता होता था। उसके बाद आपको बीच में एक बड़ा सा आंगन होता था, आंगन के कोने पर एक कुआं होता था, और चारों तरफ कमरे हुआ करते थे। तो ये थे, इस तरह के सुव्यवस्थित थी ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। इसीलिए इसे प्रथम नगरीय सभ्यता का नाम दिया गया है, क्योंकि इनके नगरीय विशेषताओं के कारण इन्हें नगरीय सभ्यता कहा गया है। और बात करते हैं, अगर इनकी समाज की हम बात करते हैं, तो ये जो समाज था, तीन वर्गों में बटा हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं, इनका समाज एक था विशिष्ट वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग, और तीसरा कमजोर वर्ग। इस तरह से विशिष्ट वर्गों के लिए मैंने बताया था, कौन सा टीला,
पश्चिमी टीला, है ना, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला में ये दोनों लोग रहते थे। तो ये थी, और क्या था इनके समाज में, समाज में स्त्रियों की बात करते हैं, इनके समाज में स्त्रियों की दशा सर्वोत्तम थी, यानी कि ये जो समाज था कैसा था, मातृसत्तात्मक था। तो ये बहुत बड़े भारत के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि ये जो विश्व में अन्य सभ्यताओं के समकालीन चलने वाली हमारी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो मातृसत्तात्मक थी, यानी कि मातृसत्तात्मक ये सभ्यता हमें उन सारी सभ्यताओं से आगे लेके चला जाता है। और क्या था यहां, अगर धार्मिक पक्ष की बात करें तो ये तीन लोगों की पूजा करते थे, एक एक करते थे मातृ देवी की, दूसरा पशुपति की, और तीसरा ये पूजा करते थे वृषभ की, वृषभ पूजा। ये तीन लोगों की ये पूजा करते थे, मातृ देवी की, पशुपति की और वृषभ, यानी कि एक सिंह वाले बैल की पूजा करती थी। तो ये था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। तो आप बताइए, आप कमेंट करके, कैसा लगा आपको ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि इसके बाद हम आपको सारे एमसीक्यू लेके आएंगे, जिसके बाद आपको कोई भी किसी भी एग्जाम में आपको यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन उठ सकते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जो आज तक पूछे गए हैं, वो सारे हम अगले वीडियो में करवाएंगे, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा आप एग्जाम में गए जाइए और उसको करके आइए। तो ये था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। धन्यवाद।